बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। सब कुछ करिए भाई, हम बीच में इधर उधर हो गए थे लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए हैं, चिंता मत करिए। यहाँ पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हम साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर। ये बहुत खुशी की बात है कि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1,62,000 करोड़ रुपए है। साथ ही एक तेल वाहक जहाज एवं 4 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पशुपालकों की सुविधा के लिए भी कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बिहार से संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपए है। बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको विस्तार करने के लिए नई योजनाओं को शुरू की जा रही है। तो अनेक प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए हैं, वो आप सबको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए हैं, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहाँ पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हम साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, आज चारों तरफ आ करके कितना पूरा पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहाँ पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आप ने 3 तरह का काम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहां पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़पुर चुप है, अगर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। और उधर क्या करे, 3-4 बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए।